हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है टैरो एक्सपर्ट 666 और आज हम जेमिनाई पीपल यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए फरवरी की रीडिंग करने जा रहे हैं कि उनका फरवरी मंथ कैसा रहेगा। ओवरऑल हम देखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और जब तक मैं शफल करती हूँ आप अपने इष्ट देव को याद कीजिए। स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा मिथुन राशि वालों के लिए फरवरी माह कैसा रहेगा। स्पिरिट्स क्या मैसेज है मिथुन राशि वालों के लिए यानी जेमिनाई के लिए, क्या मैसेजेस आते हैं स्पिरिट्स हमें बताएं। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। एट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, ये फर्स्ट 10 डेज की एनर्जी है गाइस। और इसके बाद द एम्परर मिडिल डेज की, द मून, नाइट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सॉर्ड, ये लास्ट 10 डेज की एनर्जी है जो मैं गाइस आपको कार्ड दिख रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलिए द सन, ओके द वर्ल्ड, ये लास्ट 10 डेज की है, ये मिडिल की है और ये फर्स्ट 10 डेज की। ओके तो मिथुन राशि के लिए फरवरी कैसे रहने वाला है। सबसे पहले मुझे यह लगता है कि एट ऑफ वॉन्ड्स को देखिए, मुझे यह लगता है कि कोई कम्युनिकेशन आपके पास आने वाला है जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उसके लिए शायद आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं जिस जो कम्युनिकेशन आपको चाहिए। ये कम्युनिकेशन बहुत किसी ऑफर का हो सकता है या फिर किसी पर्सन के तौर से हो सकता है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आई है, तो वो हमें कहती है कि आप बहुत ज़्यादा चिंता में हैं, पास चीज़ों को भुला नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा एंजाइटी आप में है, रातों को नींद नहीं आती, या फिर आपके हेल्थ इश्यूज आपको परेशान कर रहे हैं। सिर दर्द हो सकता है, बीपी हाई हो सकता है आपका, और ये भी हो सकता है कि हाथ पैरों में दर्द या एंजाइटी से आपको सिर दर्द होने का प्रॉब्लम जरूर होना हो सकता है। दी हाई प्रिस्टेस कहती है कि जो भी आपका मामला है उसमें आप बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव महसूस कर रहे हैं, मतलब आप किसी को बताना नहीं चाहते क्या चीज़ है, क्या आपके साथ हो रहा है, क्या कम्युनिकेशन आया है जिससे आपको परेशानी है, या कोई कम्युनिकेशन का आप वेट कर रहे हैं जिससे आप परेशानी है, लेकिन ये चीज़ें आप सीक्रेट रखना चाहते हैं, किसी को नहीं बताना चाहते, अपनी इंट्यूशन की बहुत सुन रहे हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। चलिए अब मिडिल मिडिल डेज की बात करें तो सबसे पहले एम्परर की एनर्जी हमारे पास आई है। एम्परर कहता है कि आप चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं। अगेन द मून का कार्ड इसके साथ आया, तो उसका मतलब यही है कि आप कुछ बातें हैं जिनको छुपाए रखना चाहते हैं, किसी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, और उन बातों में जो भी आपकी टेंशन है उन बातों को कंट्रोल करके सही करना चाहते हैं बिना किसी को बताए हुए। इट मीन्स आपका जो भी वर्क है या आपका जो भी जॉब है या वर्क जो आप करते हैं उसमें आप कंट्रोल चाहते हैं, और कुछ ना कुछ बातें जो आपको एंजाइटी दे रही है उनको कंट्रोल करके सही करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बातें सीक्रेटिव है, किसी से शेयर करना नहीं चाहते। अगर हम रिलेशनशिप की बात कहें तो किसी का ऑफर आपके पास आया है लेकिन आपको पास चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में, रातों को नींद नहीं आती, और उस कम्युनिकेशन या उस ऑफर को आप ठुकरा रहे हैं जो आपके पास आने वाला है। जो कम्युनिकेशन आपके पास आए हैं उसको आप आपकी इंट्यूशन से सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऑफर आपके पास आने वाला है, जैसे कि मैंने ये कहा नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, फीलिंग से भरा हुआ कप है, ये एक बहुत मैच्योर एनर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास जो भी ऑफर आए हैं उसे आप फिलहाल आप होल्ड पे रखें। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये चीज़ें जो मिडिल पार्ट की जो एनर्जी वो कहती है कि आपको जो ऑफर मिला है आप उसे उसके बारे में थोड़ा डर रहे हैं। चीज़ों को कंट्रोलिंग पावर में तो है लेकिन
आप उन चीज़ों को कंट्रोल करने से भी डरते हैं, कहीं मामला बिगड़ नहीं जाए, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेकिन कोई ना कोई आपकी जॉब का ऑफर आ सकता है, या आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि आप एक कंट्रोलिंग पावर में हैं। हालांकि आपको बहुत सारे डर हैं, फियर्स हैं कि कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए, कोई ऑफर मेरे हाथ से निकल ना जाए, लेकिन आपकी एनर्जी किंग की है, इसलिए एम्परर की है, तो एम्परर राजाओं का राजा होता है, तो आप उसको कंट्रोलिंग स्थिति में ला के अपनी स्थिति को बैलेंस आउट कर लेंगे। अगर ये बात, ये ऑफर जो है रिलेशनशिप का है या किसी की तरफ से आपको ऑफर दिया जा रहा है, तो आप उस ऑफर को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, थिंकिंग बहुत ज़्यादा करने को जा रहे हैं आप, और चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करें, यानी कि जो ऑफर आया उसको भी आप सिक्रेटिव रखना चाहते हैं। रिलेशनशिप में आप बात अपने हाथ में लेना चाहते हैं, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन की एनर्जी में मैं देख रही हूँ। जो भी आपकी बातें हैं, जो भी आपका रिलेशनशिप है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप कंट्रोलिंग स्थिति में आना चाहते हैं। देन लास्ट 10 डेज मैं बता रही हूँ कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट आपकी जो भी है बिजनेस करियर उसमें बहुत है। आप जो बिजनेस करते हैं करियर है, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, जॉइंट बिजनेस हो सकता है, या कोई जॉब है उसमें कोई कुछ लोग हैं जो आपकी अपोजिशन में बात करते हैं, या आपको उनसे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, इस तरह की एनर्जी यहाँ देख पा रही हूँ। कहीं ना कहीं आप उन सबसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी कार्ड में सन का कार्ड आया, इसका मतलब आपकी जो लास्ट 10 डेज है, यानी कि फरवरी के लास्ट में आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, जो आप चाहते हैं वो मिलेगा। सन एक ओवरऑल बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, और जैसे कि आप, मैंने कहा एक ऑफर आपके पास आने वाला है, तो उस अपॉर्चुनिटी को आप लेंगे और कहीं ना कहीं वो आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा। द वर्ल्ड कार्ड ये कहता है कि अगर आपके अभी तक जो नेगेटिव एनर्जी आपके साथ चल रही थी, उसका साइकिल खत्म होने वाला है और एक पॉजिटिव एनर्जी का साइकिल शुरू होने वाला है। ये कार्ड कहता है कि आपको कहीं फरवरी लास्ट में कुछ ना कुछ आपको ट्रैवलिंग से संबंधित ऑफर मिलने वाला है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। हो सकता है बिजनेस ट्रिप पर आप जा सकते हैं, या कुछ ऐसा ऑफर मिल सकता है जिसके सिलसिले में आपको ट्रैवलिंग करनी पड़े। तो ये कार्ड जो बता रहा है कि आप अपनी जो बीता हुआ पास्ट है उसको लेके बहुत घबरा रहे हैं, अपनी जॉब करियर को लेके, लेकिन वो सिर्फ आपके ख्याल है, क्योंकि शॉर्ट्स की एनर्जी हमारी बहुत ही टेम्परेरी एनर्जी होती है। तो जो भी एंजाइटी, जो भी डर आपकी हैं, वो आप अपने बहुत कम दिनों में आप उनसे ओवरकम हो जाएंगे, यानी कि बाहर आ जाएंगे और एक नया साइकिल शुरू होगा, जो कि सन कार्ड बता रहा है। सन के साथ जब वर्ड का कार्ड आता है, तो उसका मतलब यही होता है कि जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी नई साइकिल शुरू करना चाहते हैं, जो भी अपॉर्चुनिटी आप लेना चाहते हैं नई वाली, उसमें आप कंट्रोल करेंगे और आपको 100% सक्सेस मिलेगी, क्योंकि ये ओवरऑल हैप्पीनेस का कार्ड होता है, ओवरऑल सक्सेस का कार्ड होता है। एक जो सनलाइट है वो डेफिनेटली आप पे गिर रही है, और वो आपको पॉजिटिविटी से भरपूर बना देगी और एक सक्सेस की ओर ले जाएगी। तो ये थी जेमिनी की रीडिंग। आपको कुछ भी पसंद आता है, आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।